आप लोगों के लिए जिंगर वेज पार्सल की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, मैंने इसका डो पहले ही रेडी कर लिया था। आपको मैंने डो की रेसिपी पहले भी दे रखी है, तो उसी तरीके से ये डो रेडी हो चुका है हमारा। साथ में इसमें मोज़रेला चीज मैं यूज कर रही हूँ। सारे पार्सल के अंदर मैं मोज़रेला चीज स्टफ करूंगी। साथ ही इसमें पनीर जा रहा है, इट्स अबाउट 1 कप ऑफ पनीर, जिसे रिकॉटा चीज कहते हैं, वो मैं यूज कर रही हूँ। उसे इस तरीके से मैंने स्लाइस कर दिया है। साथ ही इसमें 3 क्लोव्स गार्लिक के जा रहे हैं, उसे मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जा रहा है, रेड चिली पाउडर जा रहा है अबाउट 1/2 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, एंड आपकी फेनिग्रिक लीव्स जो कस्तूरी मेथी होती है वो अराउंड आपकी 1 स्पून जा रही है, टीस्पून के अराउंड। एंड मिक्स हर्ब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ये भी अराउंड 1 टीस्पून के है। आपको दिखाती हूँ इसे बनाना किस तरीके से। मैंने पैन में ऑयल डाल रखा है, इसी में ग्रेटेड गार्लिक मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे सौते करूंगी और फिर इसी में मैं पनीर ऐड कर दूंगी। इस तरीके से थोड़ा सा इसे सौते करें। इस तरीके से मैंने इसे सौते कर लिया, इसी में मैं पनीर ऐड कर दे रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने सारा स्पाइसेस ऐड कर दिया है, इसे मिक्स कर दूंगी, हाई फ्लेम पे कुक कर लूंगी। पनीर ये बहुत सॉफ्ट होता है, हल्के हाथों से करें और फ्लेम इसका कम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फौरन से ये हो जाता है। एक साइड हम लोगों का पनीर रेडी हो रहा है, दूसरी साइड मैं इस डो को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। एक इक्वल साइज का पेड़ा बना लेती हूँ मैं। ये देखें पनीर हम लोगों का रेडी हो चुका है, एक साइड पे निकाल लिया मैंने बोल में, और साथ ही यहाँ पे मैं पेड़ा बना लिया इक्वल साइज का। इसे क्या करूंगी, डस्ट किया मैंने मैदा और साथ ही इसको इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पिन मैं इसको शेप दे दूंगी। इसी तरीके से सभी को मैं बेल लूंगी। ये देखिए इसका सॉस मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मेयोनीज लिया है अबाउट 1 टेबल स्पून, और साथ में इसमें मैं गार्लिक डिप, चिली एंड गार्लिक डिप जो होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसका सॉस रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने सभी को शेप दे दिया। अब इसे क्या करूंगी, ये यहाँ से एक साइड ऐसे फोल्ड करें, एक साइड से ऐसे फोल्ड करें, इसे प्रेस से डाउन कि ये बेक में खुले नहीं, और फिर इस साइड से लेकर के आप इस तरीके से, ये हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस पे जो सॉस मैंने दिखाया था आपको वो सॉस लगाऊंगी, और इसी में पनीर का क्यूब्स मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से पनीर का क्यूब्स चला गया। इसी के ऊपर मैं मोज़रेला चीज डाल रही हूँ इसी के ऊपर से, इस तरीके से, और अब इसे जो है ऐसे इधर से पकड़ें और इधर से, ये तीनों साइड को इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। अब मैं इसे बेक कर लूंगी सभी को इसी तरीके से शेप देते हुए। इस तरीके से मैंने सबको सेट कर लिया है बेकिंग ट्रे पे अपने, और इसे मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ। और इस तरीके से देखें सभी को मैं बटर से ग्रीस कर दूंगी अच्छे से। इस तरीके से मैंने इसको ब्रश कर दिया है बटर से, और इस पे हल्का हल्का मैं मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, सॉरी ओरिगानो डाल रही हूँ मैं। इस तरीके से सारे पे चला गया ओरिगानो। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 250 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट किया था। अब मैंने इसकी 200 डिग्री सेल्सियस पे से लगा लिया है, 10 to 15 मिनट के लिए मैं बेक करूंगी इसे, और ये रेडी हो जाएगा हमारा। इस तरीके से ये रेडी हो चुका है, मैं इसे अब निकाल ले रही हूँ। इस तरीके से देखें ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हो गया है। अब मैं इसे बटर का ब्रश एक बार और दे दूंगी और इसे डिश आउट कर दूंगी। इस तरीके से हम लोगों का वेज पार्सल रेडी है, जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे देती रहें। बहुत जबरदस्त ये बना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी से स्मेल आ रही है, इंशाल्लाह आप लोगों से भी बहुत अच्छा बनेगा, जरूर ट्राई करें इसे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो डेट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.